जय शनिदेव सभी को। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत आध्यात्मिक भी बने होंगे और अध्यात्म को अपने जीवन में लाए होंगे। कभी ना कभी तो जीवन में अध्यात्म को उतारना ही है, तो क्यों ना आज से ही हम थोड़ा थोड़ा करके ईश्वर के प्रति अपना समर्पण देना शुरू करें। वो सभी चीज़ें त्यागे जो आपको नहीं करनी चाहिए जीवन में, क्योंकि हमारे मन को पता होता है पहले से ही कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। माफ़ी चाहती हूँ, बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि धाम में श्रीमद् भागवत कथा का जो हमारा कथा का जो समय था वो 7 दिन का था, वो चालू थी, वो पूर्ण रूप से समापन उसका अच्छे से हो गया है। हरिद्वार जाना है एक बार जब हरिद्वार जाऊंगी तो मैं वहां से भी आपको एक वीडियो बना के शेयर करूंगी, कोशिश करूंगी कि कर पाऊँ, क्योंकि श्रीमद्भागवत कथा के सुनने के बाद और करवाने के बाद श्री गंगा घाट जाना बहुत ज़रूरी है और गंगा स्नान करना बहुत ज़रूरी है। तो श्री जी की कृपा सब पर बनी रहे और हम सब ऐसे ही आध्यात्मिक कथाएं कराते रहे, इसका हम लोग परस्पर अभ्यास करते रहेंगे। धीरे धीरे अपने जीवन में अध्यात्म को उतारना बहुत ज़रूरी है, आध्यात्मिक पुस्तकों का पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। वीडियोस अब वापस से आपके पास लगातार आएंगी, ज्ञानवर्धक वीडियोस रहेंगी जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशनल वीडियो होंगी जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका फोकस आपका केंद्र बढ़ाएगी और आपको कुछ जानकारी हम ऐसी देने की कोशिश करेंगे जिससे आपका अध्यात्म के प्रति रुचि के साथ रुचि तो बढ़े ही बढ़े, उसके साथ साथ आपका थोड़ा सा ध्यान जाप तत्व भी उठ के आ गया है। बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती है कि उनका ध्यान जाप ठीक से नहीं हो पा रहा, अगर जाप हो पा रहा है तो ध्यान नहीं हो पा रहा, ध्यान हो पा रहा है तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बहुत टाइम से अनुभव नहीं हो रहे। तो हम एक प्रीतम धाम में एक प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, एवरी थर्सडे टू थर्सडे हमारा एक हीलिंग सेशन रहे करेगा। अगर आप धाम में आके फ्री ऑफ कॉस्ट, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ऑफलाइन, ऑनलाइन अगर वीडियो कॉल के थ्रू लेना है तो उसका 1100 रुपये चार्ज है। अगर आपको फ्री में हीलिंग करवानी है, जैसे कि आप सब जानते हैं मैंने रेकी हीलिंग का ग्रैंड मास्टर कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो मैं पूरी तरह से सक्षम हूँ उस चीज़ को करने के लिए। आप आ सकते हैं धाम में, हीलिंग सेशन अपना अटेंड कर सकते हैं और उसको अच्छे से अपने इनर ग्रोथ को अपने आज्ञा चक्र को बढ़ा सकते हैं। मैं पर्सनली सबको हीलिंग करूंगी, ठीक है, आप आ सकते हैं धाम में, सीख सकते हैं। दूसरी चीज, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी की चेकिंग चालू है, आप करवाइए, अपना इलाज कराइए। अगर नेगेटिव सिम्टम है आपको तो ऑनलाइन हमारी चेकिंग चल रही है, आप करवाइए उसको, हम लोग 1 से 2, 1 to 10 days में हम आपको डाल देते हैं। दूसरी चीज, हम धीरे धीरे भक्ति की तरफ आपको ले जाने की कोशिश करते हैं। अध्यात्म बहुत अच्छा और कह सकते हैं कि बहुत दया भाव जागृत करता है आपके अंदर, एक क्षमा भाव जागृत करता है, ईश्वर के प्रति समर्पण करना सिखाता है और अपने निजी जीवन को सुधारने का एक जरिया है। आप जैसे जैसे इसको सीखेंगे आगे बढ़कर उसका आपको लाभ मिलेगा, इन फ्यूचर या फिर प्रेजेंट में भी उसका आप लाभ उठा सकते हैं। अपने जीवन में हमेशा अध्यात्म को उतारें और ऐसे ही अपने मन को काबू करने के लिए, अपने इंद्रियों को काबू करने के लिए, अपने दृष्टि में दृष्टि केंद्र को स्थापित करने के लिए आप ध्यान अवश्य करिए। ध्यान और जाप करना जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आप करते रहिए, सीखते रहिए। ऑनलाइन चेकिंग चालू है, अगर आपको ओरा चेक कराना है तो आप एक बार करवा सकते हैं। 3rd eye batches हमारे शुरू है, अभी उसमें स्पेस है काफ़ी, अभी 3 ही क्लास हुई हैं। अगर किसी को सीखना है, जुड़ना है 3rd eye के लिए, जैसे कि बहुत सारे लोग सीख के अपना कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं और सारी चीज़ें सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं धाम से सीख के, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल भी उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी साधक अपनी दृष्टि खोल सकता है और दृष्टि का खोलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दृष्टि नहीं खोलेंगे तो फिर धूल में लट मारने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप गद्दी लगाते हैं या किसी प्रकार से आपकी दृष्टि बंद हो गई है या फिर आपकी सिद्धियां काम नहीं कर रही है बहुत टाइम से, तो आप उसको सीख सकते हैं व सिखा सकते हैं। तो आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे से सीख सकते हैं, चेकिंग करा सकते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल है। और जो थर्सडे वाला प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं वो दोपहर से स्टार्ट होगा, 1 बजे से, शाम का कुछ पता नहीं जितने लोग आएंगे, क्योंकि सबको हीलिंग करते करते कभी 3 घंटे लगते हैं, कभी 4 घंटे लगते हैं। धाम खुला है, आप आ सकते हैं, जल्दी आइए, जल्दी जाइए अपना टाइम से अपना काम करा के। सैटरडे संडे वैसे ही खचाखच भीड़ धाम में रहती है, तो बाकी दिन भी आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं। प्रीतम भैया से चेकिंग करानी है तो सैटरडे संडे आप आ सकते हैं। अगर दूर है किसी
अनफॉर्चुनेट आप नहीं आ सकते धाम में या कोई दिक्कत है तो आप ऑनलाइन क्रियाएं, ऑनलाइन चेकिंग सब कुछ अवेलेबल है, आप बेझिझक करा सकते हैं। कृपया करके फ्रॉड से बचें। और प्रीतम धाम के तीनों नंबर चालू है, आप उन पे कॉन्टैक्ट करके हिमांशी जी से या डॉली जी से बात कर सकते हैं, वो आपको फुल ऑफ गाइड करेंगे धाम आने के लिए, ऑनलाइन स्टेटस जानने के लिए या फिर चेकिंग के लिए। तो आप लोग अच्छे से अवेयर रहें और अपना इलाज ठीक समय पे सही जगह से कराएं। जय शनिदेव।